तक आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन एक माह से चेयरमैन से महरूम है। चेयरमैन की अदम तैनाती से इंतजामी अमूर मुतासर होने लगे, जबकि इंजीनियर कबरुल सलाम ने इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए औकात छोड़ दिया। आतिफ परवेज हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। आतिफ परवेज, आगाह कीजिएगा, क्यों अभी तक तैनात नहीं किया गया सेक्रेटरी? राय का कहना है कि जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन बोर्ड के जो मेंबरान हैं उनकी मसरूफियत की वजह से जो इजलास जो मुनक्किद नहीं किया जा सका कि इजलास होना है उसमें मेंबरान ने जो अगले चेयरमैन को मुंतखब करना है, लेकिन एक माह से ज़्यादा अर्सा गुजर चुका है और जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास ही नहीं बुलाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो पैस के इंतजामी मामला हैं वो मुतासर हो रहे हैं। इंजीनियर कमरुल इस्लाम जो है इससे पहले वो जो पैस के चेयरमैन थे और उन्होंने इलेक्शन में लड़ने का फैसला किया था, तो पिछले महीने की 15 तारीख को उन्होंने अपना ओहदा छोड़ दिया था, जिसके बाद अभी तक जो है कोई भी चेयरमैन जो है वो तैनात नहीं किया जा सका। जी शुक्रिया आतिफ परवेज आपका।